बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पल्स ब्लॉक 4। जो हमारे रह गए थे पिछले वीडियो में वो हमने कंप्लीट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री क्या है? एकेडमिक एंड पर्सनल अचीवमेंट्स बतानी है आपने, ठीक है। ये एसेज कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई खास सिनेरियो भी नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। जैसे इस दफ़ा फर्स्ट बैच की जो ओएसपी थी प्रॉफ में, उसमें बस यही पूछा था कि मॉड्यूलर सिस्टम कैसा था वगैरह, ठीक है। तो फर्स्ट बैच की ओएसपी के लिहाज से ये आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत, बाकी आप इसमें जनरल नॉलेज से एडिशन खुद कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने एकेडमिक और पर्सनल अचीवमेंट्स बतानी थी। अगर आप सेकंड प्रॉफ दे रहे हैं तो ऑफकोर्स आपने फर्स्ट प्रॉफ पास किया, और एकेडमिक अचीवमेंट आपके पूरे ईयर में इससे बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने किसी ब्लॉक में टॉप किया है या कुछ भी आपकी कोई और एकेडमिक अचीवमेंट है तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आप अगर आपसे प्रोसेस पूछा जाए कि किस तरह से आप अपनी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ऑफकोर्स पहले आप रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप असेस करेंगे कि आपकी वीकनेसेस क्या थी, स्ट्रेंथ्स क्या थी, फिर आप ये असेस करेंगे कि आपको जो है किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा खुशी दी, तो उसके बाद वही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी उस ईयर की, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल अचीवमेंट्स में क्या आ जाता है, वो आप ऑफकोर्स आप हर किसी की अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि पर्सनल ग्रोथ बेसिकली, ठीक है। तो उसमें मैंने अपने पॉइंट्स लिख दिए हैं, कुछ और पॉइंट्स आप भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से कि फोकस ऑन द गोल्स नॉट ऑन ऑब्स्टेकल्स। क्योंकि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आप दुनिया का काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सही रास्ते पे जा रहे हैं तो ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आपने अपने गोल्स पे फोकस रखना है, ऑब्स्टेकल्स पे नहीं, एंड बी योर सेल्फ। इन्वायरमेंट आपको मुसलसल चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन आपने अपना बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करनी है, ठीक है। अपने आप को इन्वायरमेंट में फिट इन नहीं करना, बल्कि इन्वायरमेंट को मजबूर करना है आपके मुताबिक चलने पर, ठीक है। इसके अलावा ये जो है पिक्चर डाली हुई है मैंने इसमें एक, जो कि ट्रॉफी ऑफ कोर्स अचीवमेंट का निशान है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई और मॉडल नज़र आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसी तरह की बातें आपने बस इसमें लिख देनी है, ये मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा स्टेटेड अर्लियर। अब हम आ जाते हैं इसकी सिक्स्थ एंट्री पे। सिक्स्थ एंट्री पे क्या है? एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज विद डिजिटल कॉन्टेंट। आप अपने कॉन्टेंट को, अपनी बात को किस तरह से जो है मजीद अच्छा बना सकते हैं। अच्छा का क्या मायने होगा कि एक तो लोग सुने, दूसरा वो उसका असर लें, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये है कि आपने स्टोरी टेलिंग करनी है, स्टोरी की तरह बात को बताना है। मसलन आप पढ़ा भी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोई भी किसी भी किस्म का कंटेंट है, कोई ब्लॉग है, तो आपने बात को स्टोरी बना के बताना है, ठीक है। और उसको डिफरेंट बुलेट्स में बयान करना है, जैसे स्टोरी का होता है कि वो पहले स्टार्ट होती है, फिर एक क्लाइमैक्स आता है, फिर एंड होता है, तो उस तरह से उसको बताना है, ठीक है। और एंड में सब कुछ समराइज़ करना है। इसके अलावा विजुअल्स डालने हैं आपने, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स डालने हैं। इसके अलावा आपके सोशल अकाउंट्स अच्छे होने चाहिए, सोशल सर्कल अच्छा होना चाहिए, तो उसमें आपने सोशल शेयरिंग करनी है, रेगुलर अपडेट्स रखनी है। रेगुलर अपडेट्स रखेंगे तो लोगों को पता होगा कि आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और ऑफकोर्स जिनका इंटरेस्ट होगा वो उसका इंतजार करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एंगेजमेंट होगी। इसके अलावा यूज़र फ्रेंडली नेविगेशन होनी चाहिए। अगर कोई भी नेविगेशन ऐसी है जो यूज़र फ्रेंडली नहीं है तो लोग वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए कि हम आपके साथ जिस जिसने काम किया। मसलन अगर मैं अपने चैनल की ही बात करूँ कि अगर मेरी किसी वीडियो पर कोई कमेंट्स हैं, ठीक है, मैं तो खुद भी अगर कोई वीडियो देखती हूँ तो ऑफकोर्स उससे पहले कमेंट्स देखती हूँ कि ये वीडियो कैसी होगी, अगर कोई मैं न्यू चैनल खोलूँ तो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता है क्लाइंट टेस्टिमोनियल से। इसके बाद एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स देखनी है आपने। इनसाइट्स क्या होता है कि जैसे मसलन एक वीडियो है तो उसको कितने लोगों तक, मतलब उसकी रीच क्या है, उसके एल्गोरिथम्स वगैरह, ठीक है, और उसको बढ़ाने की आपने कोशिश करनी है। इसमें और क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, मसलन अगर आप कोई यूट्यूबर हैं या कुछ, तो आपने अपनी और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉन वर्बल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्बल नॉन वर्बल ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्बल में आपने अपने जो है टोन ऐसी रखनी होती है कि जो है बात प्रेजेंटेबल हो और लोग सुनना चाहें। बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होना, बहुत ज़्यादा लो नहीं बोलना, ठीक है। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप मसलन अगर आपका कोई ऐसा कॉन्टेंट है जिसमें आप अपने आप को भी ले रहे हैं तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है कंटेंट में, मसलन अगर आपने कोई ब्लॉग अपलोड किया, जैसे इसमें वीकी ब्लॉग ब्लॉग था, तो उसमें आपने क्या करना है कि जो आपने कंटेंट की आपका हेडिंग हो या फिर आपका टाइटल हो उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अगले, और एसेसिबल होना चाहिए आपका कंटेंट, इजीली एसेसिबल। अगले एसएलओ पे आ जाते हैं जो कि है साइंटिफिक मेथड। ये हमारा आया भी था मेरे थर्ड ब्लॉक की ओएसपी में आया था कि अगर एक आप लोगों ने, आपका एक रिसर्च ग्रुप है और आपने उसके साथ जाना है, ठीक है, और आपने पता नहीं बलूचिस्तान में पानी के मतलब कुछ आपने साइंटिफिक मेथड से अप्रोच करना है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, तो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब जो मेरा सिनेरियो था उसमें प्रॉब्लम पहले से दी हुई थी, ठीक है। अगर प्रॉब्लम पहले से नहीं दी हुई तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सेंसेस को इस्तेमाल करेंगे, और सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन जनरेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और क्वेश्चन जनरेट करेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है तो ऑफकोर्स क्वेश्चन आपके पास है, उस पर आप जो है रिसर्च करेंगे, ठीक है, रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और आगे हम इसका देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज टू डेवलप एंड टेस्ट साइंटिफिक नॉलेज इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यही दो इसके बेसिक स्टेप्स हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। साइंटिफिक मेथड क्या के स्टेप्स और क्या है, मेक एन ऑब्जर्वेशन, आस्क क्वेश्चन, रिसर्च द टॉपिक, फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद उसकी टेस्टिंग एंड ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद हमने ये बार बार पढ़ा हुआ है कि हम उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद वो थ्योरी बन जाती है, और थ्योरी के बाद मजीद उसकी
जो है रिव्यूज़ पे रिव्यूज़ होते हैं और उसके बाद वो लॉ बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं लिटरेचर स्ट्रेटजी में, ये भी तकरीबन सेम ही है। ठीक है, लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी मे बी अलग से सिनेरियो बन सकता है कि एक साइंटिफिक मेथड का अलग से हो या लिटरेचर सर्च का अलग से हो। तो इसमें क्या है कि आप पहले डिफाइन करेंगे रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपको उसकी बाउंड्रीज पता हो, उसकी सारी डायमेंशंस पता हो कि ये मसलन कोई भी क्वेश्चन है तो वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, हमें आंसर कितना एक चाहिए, किस बात का हमें जवाब चाहिए और वो हमें किस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन से मिल सकता है। ठीक है, देन आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। आपने अक्सर चैट जीपीटी या किसी भी सर्च इंजन पर भी देखा होगा कि अगर आप सही कीवर्ड्स ना डालें तो आपको आंसर नहीं मिलता और कोई और वही आंसर सर्च करता है उसको सही आंसर मिल जाता है, तो कीवर्ड्स का फर्क होता है, वर्ड्स मैटर अलॉट। ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट डेटा बेसिस, आपने कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, सेट इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, हमें पता है डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग होती है, डेवलप सर्च क्वेरी, टेस्ट डिफाइन डॉक्यूमेंट सर्च स्ट्रेटजी। ठीक है, एंड स्टे अप टू डेट, आपने जो भी जर्नल्स वगैरह आ रहे हो, कोई न्यू रिसर्चेज आ रही हो तो उनके साथ भी अप टू डेट रहना है। इसके बाद हम आ जाते हैं आखिरी एंट्री पे जो कि है कोपिंग स्ट्रेटजीज फॉर एकेडमिक एंड पर्सनल इशूज। तो एकेडमिक एंड पर्सनल इशूज़ के लिए आपकी क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ये भी आया था प्रॉफ में, और इसमें यह पूछा गया था कि एक स्टूडेंट है आपका रूममेट है, ठीक है, और वो जो है स्टडीज़ की वजह से बहुत स्ट्रेसफुल है, इसमें ये भी आ सकता है कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना होता है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट है और उसको समझ नहीं आ रही, वो आपसे थोड़ा बहुत हार्श हो रहा है, तो आपको किस तरह से उसको मशवरा देना चाहिए और उसको क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज बतानी चाहिए। ठीक है, वो किस तरह से इस चीज़ को कोप करें। ठीक है, पहले तो आप उसको अप्रोच करेंगे अगर इस किस्म का कोई सिनेरियो है, ठीक है, और उसकी जो है एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए आपकी उससे बात करने के लिए कि आप उसकी जो बात है उसको बिल्कुल नलीफाई ना करें। ठीक है, और जैसे हमने पहले भी सैंडविच टेक्निक पढ़ी थी कि पहले उसकी बात को थोड़ा सा माने और फिर अपना जो रिव्यू है सही वाला वो दें और फिर थोड़ा सा मजीद उसकी बात को पॉजिटिवली कहें कि ये सही है, इस तरह से आपकी बात सही भी है लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। ठीक है, तो वो उस तरह से हम उसको अप्रोच करेंगे इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर ताकि वो हमारी बात सुने भी। ठीक है, इसके बाद हम उसको कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या बताएंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होंगी, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, माइंडफुल मेडिटेशन, जर्नलिंग, अपनी आइडियाज़ और थॉट्स को लिख लें, डायरीज़ वगैरह लोग लिखते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, ग्राउंडिंग टेक्निक्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इस तरह से भी की जाती है कि आप मिरर में देख के अगर आपका कोई भी गोल है या कोई एम्बिशन है किसी भी तरह का पर्सनल चाहे एकेडमिक, आप उसको बार बार मिरर में देख के कहें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, एंड थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, मतलब आप उसकी कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ऑफकोर्स कोशिश के बाद किस्मत भी होती है लेकिन कम से कम आप उसकी तरफ पूरी तरह से आपका माइंड रेडी हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस तक वो बात चली जाती है और फिर आप उसके लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं। सीख सोशल सपोर्ट, अच्छा सोशल सर्कल होना चाहिए आपका, टेक अ ब्रेक, ठीक है, ब्रेक्स लेनी चाहिए, एंड डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ अगर आपका कोई फैमिली इशूज़ हैं या कुछ भी है जिसकी वजह से आप थोड़ी देर अपने टास्क को साइड पर भी रख रहे हैं, तो उस पर आपने अपने आप पर हार्ड नहीं होना। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, रीफ्रेम पर्सपेक्टिव, लाफ्टर थेरेपी, प्रैक्टिस सेल्फ केयर, सीख प्रोफेशनल हेल्प, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ठीक है, आपने अपना बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करनी है बजाय इसके कि आप दूसरों की कॉपी बने। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द मोर, डोंट फॉरगेट टू फॉलो सीनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन योर पेज। थैंक यू।